बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाले। अस्सलाम वालेकुम। तुम लोगों के अंदर कोई एनर्जी नहीं लग रही, लग रहा है कोई खाना खा के नहीं आया। सच सच बताओ, कौन कौन डांट खा के आया, कौन कौन मार खाने लगा था लेकिन भाग आया? एनर्जी है भरपूर तो क्लैप हो जाए भाई। ऑलराइट जी, और यही वो एनर्जी है, यही वो अपनाइयत है, यही वो प्यार है जो हम बांटते हैं वीकेंड शो के जरिए। मैं एक दफा फिर पाकिस्तान की जो ऑडियंस है उसको तो खुशामदीद कहूंगी, लेकिन यूके यूरोप में भी हमारी जो ऑडियंस है उसको भी हम खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अगर नाजीन हम बात करें तो एक बड़ी अच्छी चीज जो कुछ अरसे के अंदर देखने में आई कि पढ़े लिखे हुए मंझे हुए लोग, एक्सपीरियंस लोग इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं। चाहे आप एक्टिंग की बात करें, चाहे आप म्यूजिक की कंपोजिशन की बात करें, चाहे डायरेक्शन की करें, चाहे प्रोड्यूस करने की बात करें, जो अच्छे फाइनेंसर्स हैं, जब तक अच्छे फाइनेंसर्स नहीं आते तब तक आप अच्छे बजट की मूवी नहीं बना पाते। एक ऐसा मैं समझती हूँ प्रोजेक्ट जिसके लिए हर कोई बेसब्री से और बेताबी से इंतजार करे, बालू माही 10 फरवरी को रिलीज होने वाली है और मैं बहुत खुश हूं इसलिए क्योंकि ये मेरी सहेली की फिल्म है। सादिया जबार के लिए क्लैप हो जाए। और अपने जब चैनल की, अपने चैनल की जो प्रोडक्शन होती है उसको बंदे को दिल करता है ऑन करने को। और मैं बालू माही के हवाले से ये जरूर बताना चाहूंगी बिकॉज आई नो सादिया पर्सनली, इतनी मेहनत करती है ये लड़की, इतनी मेहनत करती है कि मैं कहती हूँ क्यों करती हूँ इतनी मेहनत। लेकिन जिन लोगों को जुनून होता है, जिन लोगों को जस्तजू होती है आगे बढ़ने की, क्वालिटी प्रोग्रामिंग पेश करने की, तो जो लोग क्वालिटी और एंटरटेनमेंट से फुल फनफिल्ड मूवी देखना चाहते हैं तो आई थिंक बालू माही इज द फिल्म फॉर ऑल द यंगस्टर्स एंड ऑल द पीपल आउट देयर। एंड अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द टीम मेंबर्स के जिन्होंने बालू माही को बनाने में मेहनत की है। सो आज हम करेंगे ये कि इंटरनेशनली तो 10 फरवरी को बालू माही ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, यूके के अंदर, पूरी दुनिया में रिलीज हो रही है, लेकिन आज हमने ये सोचा कि इसके म्यूजिक की अगर बात करें, आपने म्यूजिक इसके देखे होंगे, इसके प्रोमोज देखे होंगे, ट्रेलर्स देखे होंगे, अभी हम ट्रेलर भी आपको दिखाएंगे, म्यूजिक के ऊपर आज हम इसकी बात करेंगे। एंड वी हैव गॉट टैलेंटेड यंगस्टर्स जिन्होंने इस फिल्म के अंदर अपनी आवाज का जादू जगाया है, तो मेरे ख्याल में आप लोग तैयार हैं कि नहीं गाने सुनने के लिए? अच्छा, अपनी तमाम की तमाम फ्रेंड्स को और अपने बालू माही के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने म्यूजिक के थ्रू अपनी कंट्रीब्यूशन इस फिल्म के अंदर की, उन तमाम गेस्ट को बुलाने से पहले मेरे ख्याल में मैं जल्दी से आपको ये बताते चलूं कि जो पाकिस्तान के नाजरीन हैं वो हमें, जो हमारा नंबर है उसके जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो यूके और यूरोप के नाजरीन जो हमारे देख रहे हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनको ये मैं बताती चलूँ कि व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें अपनी फैमिली पिक्चर्स भेजना चाहें, इस वक्त आप जहाँ पर हैं उस सारे सिनेरियो की पिक्चर भेजना चाहें, कोई मैसेज भेजना चाहें तो व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, स्काइप के थ्रू आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आई वुड लाइक कि मैं आपका और हमारा रब्ता स्काइप के थ्रू ज़रा ज़्यादा हो क्योंकि मेरी अपनी बहन से लंदन में हमेशा स्काइप के थ्रू बातचीत होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। और परदेश में रहकर अपने देश की अपनी बातें, अपने लोगों को और अपने कल्चर को बंदा बहुत मिस करता है, तो आइए इन फासलों को कम करते हैं और स्काइप के थ्रू जरूर हमें रابطہ कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं, पिक्चर्स भी भेजिए। मैं चाहूंगी कि अपने प्रोग्राम में आपके तमाम के तमाम मैसेजेस जो है वो शेयर करूं। अच्छा जी, म्यूजिक की जब बात आती है तो म्यूजिक के लिए मेरे ख्याल में मेरे सिंगर्स तो रेडी हैं, लेकिन मुझे ये कहा जा रहा है कि एक ट्रेलर पहले बालू माही का दिखा देते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। ऑलराइट जी, बालू माही 10 फरवरी को इंटरनेशनली और पाकिस्तान के अंदर रिलीज हो रही है। आज मैनचेस्टर के अंदर इसका प्रीमियर है, तो जितने भी स्टार्स हैं, उस्मान खालिद भट्ट, सदफ भी पहुंची हुई होंगी, एनी भी पहुंची होंगी, कितने लोग उस्मान खालिद भट्ट को पसंद करते हैं, क्लैप में पता चलेगा भाई, हार्ट थ्रोब, कितने लोग द वेरी टैलेंटेड एंड ब्यूटिफुल एनी को पसंद करते हैं, आई एम इन लव विद हर एक्टिंग, और कितने लोग रैंप पे तो सदफ को देखा ही आपने लेकिन अब फिल्म में देखेंगे भाई, कितने लोग इंतजार करें तालियों में पता चलेगा। ऑलराइट, सो ऑल द वेरी बेस्ट टीम बालू माही एंड फिंगर्स क्रॉस्ड इन इंशाल्लाह ताला। मुझे ये मालूम है और बहुत मेरा यकीन है कि जितनी मेहनत सादिया ने की है, हाइसम ने की है, जितने भी लोग हैं और साहिर अली बग्गा ने म्यूजिक किया, साहिर बल्कि आने वाले होंगे तो मुझे बताएं, उनकी भी अनाउंसमेंट मैं करूँ, तो ये सारी की सारी टीम ने एक फुली एंटरटेनमेंट जैम पैक्ड प्रोग्राम आपके लिए फिल्म रखी हुई है। अच्छा जी, जल्दी से अपनी टीम को म्यूजिक की बुलाते हैं। जहाँ पे बात आती है सिंगिंग की तो मेरी दो ऐसी बड़ी प्यारी फेवरेट सिंगर्स हैं जो बहुत खूबसूरती के साथ और उम्दगी के साथ गाती हैं और उन्होंने बालू माही में गाया, कैसा तजर्बा रहा हम उनसे जानेंगे उनकी जबानी। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द वेरी
हाय, मतलब बोलने तो बोलने नहीं देना, बेसब्री कौम है, होता है कुछ नहीं होता. प्लीज पुट हैंड्स टुगेदर फॉर आईमा पेग बेग एंड नाजिश. जी तुमने जी. इतनी ठंडी एंट्री दी, आई एम सॉरी, मतलब थोड़े से डांस मूव्स करते हैं. इधर करें दोबारा, आप आए दोबारा से उधर, म्यूजिक ऑन करें दोबारा. सिंगर्स मतलब गाते इतने अच्छे तरीके से, तो एंट्री क्यों इतनी बोरिंग है? आसिम दोबारा जाइए प्लीज. I'm good. How are you? I'm fine. Thank you. I mean, heart throb इस वक्त तुम बने हुए हो. लड़कियों के favorite हो कुछ लड़कियां. हाँ, कलाइयां बचा के अपनी रखना please. अभी इस तरह नहीं हमने जाना. अच्छा जी, हम जल्दी से आपके boss को भी बुलाएं जिन्होंने मतलब lyrics वगैरह बनाए हैं. आगे? आगे? नहीं, वो दूसरे वाले भी, ये पीछे दूसरे वाले boss. अब भी इसी शख्सियत हैं ये माशाल्लाह से. और मैं कह रही थी कि यार मैं इनसे कुछ शेर और शायरी भी सुनूं, लेकिन जब म्यूजिक की बात आती है तो लिरिक्स जो है किसी भी म्यूजिक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. बालू माही के म्यूजिक के जो लिरिक्स हैं वो इसके इंचार्ज ये हैं. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आरे आसिम रजा. आसिम आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. इतनी अदबी सी शख्सियत आप लग रहे हैं कि मेरे ख्याल में एक दो कलाम अभी बोल ही दे हैं. अच्छा हैं, शक्ल से लगनी है ऑडियंस. तालियों से पता चलेगा तुम लोग भी. अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. और नाजिश, अगर मैं आपके गाने की बात करूं, आयमा तुम्हारे, मैं तुम्हारी तो ऐसी फैन, तुम्हारी बहन किधर है जो मैनेजर है? वो है मैनेजर, उसको भी पकड़ेंगे हम. बट आसिम, यू एंड बोथ ऑफ यू, साहिर इज आल्सो कमिंग, अभी ज्वाइन करेंगे. आई थिंक यू हैव डन एन अमेजिंग अमेजिंग जॉब. वंस अगेन अ ह्यूज थैंक यू. और मैं एक दफा फिर आपको बताती चलूं कि बालू माही 10 फरवरी को इंटरनेशनली भी रिलीज हो रही है, पाकिस्तान के अंदर भी रिलीज हो रही है. प्रोड्यूसर्स की अगर बात करें, सादिया, ये मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड है, वो प्रोड्यूसर है, मैं ये वाला कर सकती हूँ सादिया के लिए एक्सक्लूसिव. और चौधरी मोहम्मद अरशद इज द प्रोड्यूसर एज वेल. डायरेक्टर की बात करें तो हाई सम, प्रोनाउंस सही कर रही हूँ? हाँ बिल्कुल सही. बड़ी परेशान थी मैं बैक चेंज, कुछ 100-200 दफा मैंने कहा ये नाम क्या है. तो हाइसम ठीक है ना? हाइसम मुझे 10/10 इसमें देने चाहिए. अच्छा जी, हम एक ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मोर म्यूजिक कमिंग अप ऑफ बालू माही राइट आफ्टर दिस ब्रेक. स्टे ट्यून्ड. जी वेलकम बैक वंस अगेन. बालू माही द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ द ईयर. जी हाँ, 10 फरवरी को ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि 10 फरवरी को पूरी दुनिया के अंदर रिलीज हो रही है. इसका लंदन में और बर्मिंगम में प्रीमियर हो चुका है. आज मैनचेस्टर में इसका प्रीमियर है और सारी कास्ट उधर पहुंची हुई है. सो फिंगर्स क्रॉस. और सादिया के लिए फिर मैं ये मैं सादिया के लिए, सादिया कसम से ये सिर्फ तुम्हारे लिए हो सकता है, वरना कभी भी मैं इस तरह ना करूं. लेकिन आज हमारे साथ द वेरी टैलेंटेड बालू माही की म्यूजिक टीम मौजूद है. आसिम, आई विल स्टार्ट विद यू. लिरिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर प्ले करते हैं. मूवी की जब बात आती है तो हर गाने के लिरिक्स को बनाना, फिर सोचना, कैसा रहा है वो जर्नी? माशाल्लाह बहुत अच्छा. एक्चुअली स्टार्ट जो है वो हमारी फिल्म को लेकर, जब भी म्यूजिक स्टार्ट किया जाता है ना, तो सबसे पहले आइटम सॉन्ग सोचा जाता है कि जी आइटम सॉन्ग क्या होगा फिल्म का. तो सब लोग जब आइटम सॉन्ग की दौड़ में लगे हुए थे, तो मी एंड साहर अली बग्गा वी प्लान्ड फॉर द नाज शरीफ. अच्छा. कि हम जो है लास्ट दो एक डेकेड से जो है वो कोई इस तरह से स्पिरिचुअल और खास तौर पे नाज शरीफ जो है वो नहीं हुई. तो हमने वो एक तैयार किया जो रंग दे चुनर, अभी अल्हम्दुलिल्लाह उसको काफी सक्सेस भी मिल गई है. तो लेटली जो है वो मैं ऐड करूंगा कि जो प्रोड्यूसर्स हैं कि हमें जब उसके लिए वो इतना भारी बन गया कि हमने कहा कि राहत के अलावा क्यों और जो है उसके लिए वोकल्स नहीं सूट करती, और उन्होंने कहा कि जी ठीक है राहत
राहत को लेना भी एक दिल गुर्दे का काम होता है। अच्छा क्यों? Obviously he's a big star, so I have to put the surprise. राहत के नखरे होते हैं वैसे शक्ल से तो बड़े भोले से मासूम से पोपली सी शक्ल लगती है। नहीं बिजी आर्टिस्ट के नखरे ना भी हो तो उसकी टाइमिंग को मैच करना बड़ा मुश्किल रहता है। अच्छा वो जो शख्स हैं पीछे खड़े हुए माइक लग गया कि नहीं उनको? उनके नखरे हैं कि नहीं? मेरे ख्याल में उनको बुला नखरे हैं उनके कि नहीं? मेरे फेवरेट हैं, मेरे इनसे ज्यादा सबके फेवरेट हैं। साहिर अली बग्गा ऑडियंस ये नखरीले से तो लग रहे हैं कि नहीं? क्लैप पे पता चलेगा। अच्छा मतलब तुम ना बजाते तो मतलब लगता है क्या हाल? आज तो बाकी बड़े क्यूट से लग रहे हैं, आज तो बड़े कूल लग रहे हैं। कैमरा 3 क्लोजअप लीजिए इस क्यूट से शख्स का, क्लोजअप लीजिए। क्यूट पोपली सी शक्ल है साहिर अली बग्गा की, क्यूट तरीन शक्ल, वेरी नाइस। कैसे हैं आप साहिर? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। द मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी, म्यूजिक की बात करें, हैट्स ऑफ टू यू भाई, आपकी पूरी टीम। ये कहूंगा म्यूजिक पे ये है, सब म्यूजिक बैठे हैं आपके सामने, इन सब की मेहनत है, मतलब अकेले का कोई काम नहीं है, टीम वर्क है, कभी भी कोई चीज कामयाब होती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका बहुत अच्छा फीडबैक है, बहुत पसंद करें लोग, मैं खुद बहुत सुनता हूँ ये म्यूजिक, इसलिए नहीं कि मेरा अपना, सब ने काम बहुत अच्छा किया। अच्छा गाने कितने हैं साहिब? 4 गाने किए हैं इसमें। ठीक है। हाँ तो पहले उसमें 5 गानों का था, तो फिर हमने 4 ही ठीक है, वो क्योंकि वो 5वां गाना था कि जिसको हम कर नहीं पा रहे थे, वो सिंगर्स हमें चाहिए था कोई ऐसा, लेकिन वो सिचुएशन ड्रॉप हो गई। ठीक है। तो फिर बाकी आसिम ने बन गए कि 5वें की जरूरत नहीं पड़ी, 5वें की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा मुझे बताएं कि कॉम्बिनेशन क्या है आसिम और ये कैसे है कॉम्बिनेशन इनके गानों का, ये मुझे बताएं जरा। आसिम का जो टाइटल सॉन्ग है, जो गाने फिल्म का जो मेन सॉन्ग है बालू माही, वो आसिम और आयमा ने गाया। मैंने इससे पहले ये था कि अब ये मसरूफ दोनों बहुत होते हैं, ये भी माशाल्लाह आपके आपके लिए कभी नहीं, आपके लिए कभी नहीं, नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं तंग नहीं करना चाहता आपको पता है, कभी भी। मैंने कल ट्राई भी किए काफी सिंगर्स, लेकिन वो मेरे दिमाग में पहले दिन से यही था कि आयमा और आसिम ही गाएंगे। क्या वजह थी कि आयमा और आसिम? आयमा ये अभी समय, दिस इज न्यू वोकल्स, बिल्कुल फ्रेश वोकल्स हैं, यंग ब्लड है, हाँ, और पोटेंशियल बहुत है ये तो बंदा, बहुत मैं तो फैन हूँ इसका यार। ये इसके आसिम तो बहुत अच्छा, साहिर के मुंह से तारीफ निकालना ये ऐसी है कि मैंने आसिम का नाम कैसे याद किया, बस ये वैसे ही है, इतना मुश्किल है वाकई। नहीं मतलब अभी अभी हमारे जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो स्टाइलिटी की बड़ी जरूरत थी सिंगर्स में, अब आसिम को जो गवाए गा लेता है, आयमा भी इसी तरह, आप देखे ना पिछली एक फिल्म की आई थी उन्होंने बड़े इन्होंने वो आइन करके गाने गाए हुए, इसमें इन्होंने बड़ा मॉडर्न गाना गाया, बड़ी अच्छी टोन आयमा ने बनाई। तो ये कॉम्बिनेशन जो था वो मैं और आसिम रजा हम बैठ के जब लिख रहे थे बना रहे थे, सभी हमारे जहन में था कि आसिम और दोनों वर्सटाइल है और अच्छा, और मेरा ये करियर का ऑफिशियली फर्स्ट फिल्म का गाना है, फिल्म का फर्स्ट है, फर्स्ट फिल्म का गाना है, और मैं ये ऑन एयर कहना चाहूंगा कि मुझे इससे बड़ा ऑनर नहीं मिल सकता था कि वो बग्गा भाई के साथ उन्होंने मुझे मौका दिया। वाकई में नहीं, अनडाउटेडली। अच्छा नाजिश का मुझे बताएं, नाजिश का गाना पेयरिंग किसके साथ है? नाजिश का जो गाना है वो तो हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के जो शागिर्द हैं, जानशीन हैं, राहत फतेह अली खान साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे भाई, उनके साथ इनका जो कवाली जो हमने की है जो पहले लॉन्च हुई थी वो नाजिश ने साथ गाई है और बड़ी अच्छी गाई नाजिश ने। नाजिश तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे बताओ, क्योंकि अमेजिंग, और फिर राहत फतेह अली के साथ प्रेशर फील किया कि नहीं तुमने? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि राहत साहब जिनको पूरी दुनिया जानती है और पूरी दुनिया में जिनका नाम है उनके साथ मेरा डुएट है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और बग्गा भाई ने मुझे लेट नाइट कॉल की और मैं सो रही थी अच्छा क्या है मैं सो रही थी और कहते कि बस जल्दी से पहुंचो स्टूडियो गाना करने, तो मैं गई और वहां जब मैं गया थोड़ा नींद में थे, और जब पता चला कि राहत साहब के साथ सॉन्ग है तो नींद उड़ गई। अच्छा सारी नींद उड़ गई। अच्छा मेरे ख्याल से इन्होंने हर एक को सरप्राइज दिया, क्योंकि मुझे याद है मैंने ये कैसे बता दूं थोड़ी स्टोरी मेरी, मतलब बहुत मैंने नाम सुना था, हमारी फैमिली भी बड़े मजेदार टर्म्स हैं बड़ों के,
तो लेकिन मैं इत्तेफाक से कभी लाइव नहीं मिला था साहिल और हाँ जी सर से, तो इनका कराची आना हुआ, ये स्टूडियो आए हुए थे, तो मैं सिर्फ मिलने गया कि मैंने इनसे लाजमी इस दफा चक्कर में मिलना है, ठीक है। मैं इनसे मिलने गया, उधर यही टाइटल ट्रैक पे काम हो रहा था, ठीक है। मैं सुन रहा हूँ, मैं अंदर सोच रहा हूँ बड़ा मजेदार, अब मुझे क्या पता वो एकदम से जब हो गया काम कोई एक दो घंटे बाद बातें बातें करिए, हाँ। तो यार ये कैसा लगा तुझे? हाँ। मैंने कहा बहुत जबरदस्त, चल बूथ में जा। मैंने कहा क्या? वोकल बूथ में जा। मैंने कहा डेमो गाना है? हाँ। कहता तू गाएगा। मैं उस वक्त इट वाज एन अमेजिंग मोमेंट और मेरे बहुत अच्छा गाया अनडाउटेडली। और ये अच्छा, लेकिन आप उन लोगों में से तो नहीं है जो कहेंगे कि मैं साहिर को बचपन से देख रहा था? मैं हाँ हाँ आप बोलो मुझको, हम दोनों को बचपन से देख रहे हैं। वैसे वाकई में साहिर कभी किसी ने कहा है कि मैं बचपन से आपको देख रहा हूँ, बचपन से मैं फैन हूँ? किसको तंग करना हो जरूर कहता हूँ मैं, जरूर कहती हूँ। अच्छा जी, जब बालू भाई के म्यूजिक की बात आ रही है तो साहिर आपने भी एक सोलो गाना गाया है। मैंने एक सोलो गाया, एक डुएट में गाया, ठीक है। सोलो के बारे में बताएं क्योंकि फिर मैं चाहूंगी कि वो अभी इस वक्त इस चंक में परफॉर्म किया जाए। अच्छा बिल्कुल, सोलो गाना जो है वो एक अच्छा आई थिंक गाने की फिल्म की जो लास्ट सिचुएशन है, हाँ। जहाँ पे हीरो जो है हीरोइन को छोड़ने जा रहा है उसके घर वापस, ठीक है। तो वहाँ पे एक हमारा सैड सॉन्ग सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पे एक सैड सॉन्ग था, तो वो मैंने मेरे पास एक कंपोजिशन थी, मतलब मैं खुद गुनगुनाया करता था, आसिम ने लिखा हुआ था उसका एक पहला सेंट दही। तो जब सिचुएशन मुझे हैसम ने सादिया ने सुनाई कि ये सिचुएशन है, तो मैंने कहा मेरे पास एक चीज है, ठीक है, इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और जब मैंने इनको सुनाई तो हैसम कहता है तो मेरे ख्याल में उस चीज को हम भी सुनते हैं। बात मैं नहीं है इसमें सुन रही थी, मैं ना साहिर को बड़ा कम मुस्कुराते हुए देखती हूँ, अच्छा लग रहा था, करते रहे मैं ऐसी बैठी हुई हूँ। नहीं मुझे आप जब भी अक्सर बुलाते हैं ना कभी अपने शो में मेरे साथ, आप ऐसे ऐसे दो चार बुजुर्ग बिठा देते हैं कि मैं कहता हूं कि मैं इनके सामने क्या बात करूं। खवातीनों हजरात कैमरा प्लीज फोकस कीजिए इस नौजवान बच्चे के ऊपर, देखिए कितनी प्यारी भोली सूरत है इस नौजवान की। मेरी टीम बैठी है, मेरे एज फेलोज बैठे हैं साथ, तो फिर साथ एक और क्लोजअप लीजिए उनके जुड़वा छोटे भाई का, वो इनसे भी छोटे उम्र में, ये आसिम की तो मेरे पे नहीं, मैं तो कहां, मैं तो बुजुर्ग हूँ, ये आसिम। अच्छा मुझे बताएं आपस में आसिम महबल के साहिब के साथ आपने काम पहली मर्तबा किया है या पहले भी करते रहे? बचपन से हो रहा है। बचपन से ही हो रहा है। व्हाट इज द वन थिंग यू लाइक अबाउट हिम, व्हाट इज द वन थिंग के नहीं सही है? मैं समझता हूँ कि मतलब इस वक्त सारे लोग जितने भी काम करें, तो हमारा सासद मिजान भी चल रहा होता है, आपका ऑन एयर चला जाता है और पता चल जाता है कौन कितने पानी में। तो लिरिक्स जब आप लिखते हैं तो उनके पास आवाज नहीं होती, वो लफ्ज गूंगे होते हैं, तो ही इज द बेस्ट प्लेयर, कि मेरी खुशकिस्मती है कि जो मेरे लफ्ज हैं उनको साहिर की जुबान मिल जाती है। मेरे ख्याल से पहली दफा इस स्टाइल में जरा फिल्मी अंदाज में मैंने गाया, और मतलब एक दो बार प्रैक्टिस बड़ी करके और बड़े मजेदार से, मैं कराची में था और साहिर भाई स्काइप पे थे, और हम लोगों ने मतलब पूरी रात रात सर मुझे गाइड कर रहे थे कि फील से मतलब मजा आए, और आई डोंट थिंक कि इससे पहले या इसके बाद कोई मतलब अगर मुझसे मतलब वो होता है ना एक सिंगर से एक्सप्रेशंस निकलवाना, वो आई थिंक इस गाने में बहुत अच्छे किए हैं। और बात को आगे बढ़ाऊंगा, हमने गाना भी आधा लिखा हुआ था, ठीक है, क्योंकि जब तक आप सिंगर को फाइनल नहीं करते, हर वोकल के हिसाब से ना डिफरेंट लिरिक्स होते हैं, डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, जो जैसे राहत फतेह अली खान है उन पे जो सूट करते हैं वो कभी भी आसिम अजहर पे तो नहीं करेंगे। तो फिर आगे जो हमने एक्सटेंशन थी वो फोन पे, आई वाज इन लाहौर एंड बग्गा वाज डबिंग आसिम अजहर इन कराची एंड आई वाज राइटिंग हियर इन द कार ऑन द रोड एंड वी ऑल वर ऑन द स्काई। अच्छा ये आमद आमद होती है, क्या होता है ये आमद, वाकई में होती है या? सर इसमें तो कोई शक नहीं, ये तो एक खुदा की बहुत बड़ी नेमत है, आमद चाहे वो म्यूजिक नोट्स में हो,
चाहे वो ऑन द माइक हो, चाहे वो लिरिक्स की हो, तो क्रिएटिविटी जो है, मेरा ख्याल है कि खुदा ने बीइंग अ क्रिएटर जो है वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो है वो क्रिएटिविटी दी है अनडाउटेडली. अच्छा कहते हैं जो क्रिएटिव लोग हैं, साहिर साहिर आप ऊपर कुछ है, लाइट का मसला आ रहा है, फेस लाइट आपकी अच्छी आ रही है, पता हाँ, जगमगा रहा है चेहरा आपका, नूर आया हुआ है, नाजरीन पुर नूर चेहरा देखे साहिर अली बगा का, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नजर ना लगे. वैसे भी जब ये मेरे साथ बैठे होते हैं तो ज्यादा अच्छे लगते हैं, बड़ा मजा आता है इस तरह की साहिर से बात करके. अच्छा साहिर कहते हैं क्रिएटिव लोग जो है वो इस दुनिया के नहीं होते, अलग थलग रहते, क्या वजह है इसकी? वो इस दुनिया में होना भी नहीं चाहिए उनको, मतलब उस वक्त वो दुनिया के नहीं होते जब वो काम कर रहे कुछ सोच रहे होते हैं, ये बात तो सच है. तो क्रिएटिविटी मैं समझता हूँ कि जैसे स्टार्ट आप एक जैसे एक आइडिया से सारी फिल्म बनती है, ठीक है, एक बंदे को एक राइटर को एक आइडिया आता है कि ये फिल्म मैं बनाना चाहता हूँ, तो उसके बाद फिर उसके हिसाब से आप जाते हैं कि म्यूजिक किस तरह का होना चाहिए. वो क्रिएशन में, फिल्म की क्रिएशन में ये है कि आप हमारे फिल्म में अभी फिल्मी लोग बहुत कम है पाकिस्तान में, नो डाउट, ठीक है. तो अभी मैं ये समझता हूँ कि कुछ अभी जो कहते ना कि यार ये फिल्म 15 करोड़ की बन गई है, ये तो 5 की भी नहीं लग रही, वो 15 करोड़ सीखने में लग गया. बिल्कुल सही. अब वो बंदा जब दूसरी फिल्म बनाएगा वो 5 में ही बनाएगा. बिल्कुल. तो असल में हमारा ये जो पैसे लग रहे हैं या हमारा टाइम जा रहा है तो ये हमारी इंडस्ट्री के लिए अच्छा है. बिल्कुल. जो मतलब जो लोग एक ड्रामा बना रहे हैं वो ड्रामा से फिल्म में आ रहे हैं तो उसको वो बहुत बड़ा जंप है. हाँ, तो वो इन्वेस्टमेंट है, उसके टाइम भी लगता है. तो वो मैं जो प्रोड्यूसर है हमारे जो फिल्म बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, जैसे शादियां हैं, मैं हमेशा में कहता हूँ कि गम ना करो साथिया, फिल्म हिट जाएगी. कैसी मुझे बताती कि बहुत पैसे लग गया, ये हो गया वो गया. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसके हमेशा ये कहा था, मैंने कहा दुआ करो फिल्म अच्छी बने. और अनडाउटेडली फिंगर्स क्रॉस्ड इंशाल्लाह बालू माही विल बी अ सुपर डुपर हिट. अच्छा जी, बातें बहुत सारी हो गई. टाइटल सॉन्ग बालू माही का द मच अवेटेड, ऑब्वियसली स्क्रीन पे तो आप देख चुके हैं लेकिन फिल्म देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से उसकी आपको समझ आएगी. इसके बारे में आयमा जो है ये पाकिस्तान में बहुत अच्छे सिंगर मिल गए आपको, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री सिंगर है और इंशाल्लाह इसमें बहुत अच्छा गाया, आप सुनेंगे इसकी वोकल भी और ये और बहुत आगे जाएंगे. छोटी सी जान है और छोटी सी जान इतने बड़े बड़े काम करती है. द टाइटल ऑफ बालू माही कमिंग योर वे, आसिम एंड आयमा, द स्टेज इज ऑल योर्स. ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल. अच्छा वैसे एक सेकंड, तुम लोगों ने परफॉर्म तो बड़ा अच्छा कर दिया, अगर तुम लोगों को डांस करने का मौका मिले तो कैसे डांस करेंगे? जरा म्यूजिक दोबारा लगाएं, डांस देखना चाहेंगे इन दोनों का? आइए जरा, ये मुझे आसिम की शक्ल से लगता है आसिम डांस बड़ा अच्छा करता है. मेरी शक्ल से भी आपको लगता है लेकिन मैं बहुत बुरी डांस करती हूं. तुम पहले पहले आयमा ट्राई, पहले आयमा ट्राई, नहीं नहीं पहले पहले आयमा ट्राई. अच्छा म्यूजिक लगाएं, 1 2 3. तुझको फॉलो करूं तो फिसलती है क्यों, जानी है पास तू तो दिल के हाथों से धड़कन निकलती है क्यों, हाथ में हाथ दे मेरी सांसों की खुशबू मसल से क्या था ये? एक साहिर इधर आए जरा, साहिर मुझे लगता है आप मून वॉक बड़ी अच्छी कर सकेंगे. टूट जाएगा फ्लोर आपका, ऊपर ये भी लगाए हैं ना, मैं ऊपर कैसे करके तुम, अच्छा तुम करते जाओ मैं ब्रेक की अनाउंसमेंट करूं. चलो करो 1 2 3 इधर से करो, 1 2 3 गो जी. नाज़रीन ये मून वॉक हो रही है, आप देखते रहिएगा, हम ब्रेक के बाद आ रहे हैं. जाइए जाइए जाइए. पांव तले तुझको फॉलो करूं तो फिसलती है क्यों. ओ
ऑलराइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन. 10 फरवरी को, 10 फरवरी को मालूमाही रिलीज हो रही है, द मच अवेटेड मूवी. आज हम इसकी म्यूजिक की टीम के हवाले से, म्यूजिक की टीम से बात कर रहे हैं. आपने भी राहत फतेह अली का भी जो देखी है, ये कवाली है बेसिकली, ये दिस इज अ कवाली. एंड द डायरेक्शन इज ब्यूटीफुल भाई, कलर्स इतने सारे. अच्छा, ब्रेक के बाद मेरी बहुत प्यारी सहेली सामिया खान ने ज्वाइन किया. सामिया कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक. और आपने तो आज फिर साहिर बग्गा को बुला के जो है वो महफिल में जान डाल दी हुई है. सामिया ये मासूम से हैं कि नहीं? आप जायचा भी इनका देखा हुआ बहुत अरसे से, और बल्कि मुझे याद है कि अक्सर ये मुझे कई दफा क्रेडिट भी देते होते थे किसी कामयाबी का, कि तुमने कहा था, उस वक्त प्रेडिक्ट किया था, फिर हुआ था. तो ये इनकी एक आला जरफी की याद रखते हैं और सितारे इनका साथ भी देते हैं. अच्छा सामिया, आपसे मैं जरूर बालू माही के हवाले से भी डिस्कस करूंगी कि सितारे क्या कहते हैं, लेकिन नाज़रीन आपको ये बताती चलूं कि लंदन में जो इसका प्रीमियर हुआ है बालू माही का, उसके हवाले से इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड पूरे के अंदर जो इसका प्रीमियर बालू माही का हुआ है, उसके हवाले से जो ऑडियंस ने और व्यूअर्स ने जो कॉमेंट्स दिए फिल्म देख के, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी. आइए देखते हैं जी. जी आपने कमेंट्स देखे, इंग्लैंड के अंदर इसका प्रीमियर हुआ है बालू माही का, एंड द मच अवेटेड मूवी. सामिया आपसे जानना चाहूंगी सितारे क्या कह रहे हैं. लकी इनकी लक है कि जिस टाइम पे ये ऑनियर होने जा रहे हैं, बल्कि हो भी चुके हैं बाहर की जगह पे, तो जुपिटर जब थर्ड में होता है तो अच्छी सक्सेस लेके आता है. तो अनडाउटेडली जुपिटर इनको सपोर्ट कर रहा है, और बाकी आप लोगों की रिव्यू सुन रही है तो हमारी भी दुआएं इनके साथ हैं. इंशाल्लाह इंशाल्लाह दे विल रॉक. अच्छा, और अब म्यूजिक का बताएं, आपने म्यूजिक देखा भी है, सुना भी है? अभी सुन रहे हैं. हाँ. फिर जिनकी कंपोजिशन है, उस्ताद जी बैठे हुए हैं. हाँ. जिनके हम वैसे बड़े फैन हैं, तो मतलब जो है इस गाने तो म्यूजिक तो ऑसम है, और फिर जिन्होंने लिखा है वो भी आज आपने बुला के बिठा. नहीं, ये कवाली भी आपने लिखी? कमाल लिखी है भाई, बहुत बहुत कमाल लिखी है. नहीं, और अनडाउटेडली पता है मैं ये बात करी थी, बल्कि आसिम और साहिर से भी और ऑन एयर मैं डिस्कस करना चाहूंगी, म्यूजिक कितना आपको, मैं अपनी तो राय दूंगी एज अ होस्ट, मैं भी न्यूट्रल हूं, लेकिन आप जरूर बताओ कि कितना म्यूजिक इसका डिफरेंट है एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर पाकिस्तानी फिल्म्स जो अभी रिलीज हो रही है. काफी सारी फिल्म्स में पार्शली भी और कम्प्लीटली भी म्यूजिक किया हमने एज अ टीम, मी एंड साहिर अली बग्गा. तो इस फिल्म के अंदर हमारी वैसे भी कोई भी जब हम फिल्म का म्यूजिक करते हैं तो सबसे पहले जो है वो हमारी ये कोशिश होती है कि फिल्म के अंदर फिल्मियत हो. जो म्यूजिक है वो लगे कि ये फिल्म का फिल्म जो है ना, जैसे है. अभी एक सॉन्ग है जिसमें बहुत खूबसूरत सिनेमाटोग्राफी है, अभी इंग्लैंड से जो वो कह भी रहे थे कि जिस बहाने हमें पाकिस्तान की खूबसूरत साइट्स देखने का मौका मिला. तो म्यूजिक में भी उतना वो आपको नजर आ रहा म्यूजिकली कि ये इतना फ्रेम जो है वो खुल रहा है और इसमें वादियां नजर आ रही हैं. इसमें तो ये फर्क कैसे आप लोग रखते हैं, हर ड्रामे में भी म्यूजिक हमारे यहाँ पे, जैसे मैंने पहले बात की है कि हम फिल्म बना रहे हैं साथ सीख रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमारी कॉस्ट भी ऊपर चली जाती है काफी. लेकिन मैं अभी इस फिल्म में म्यूजिक का थोड़ा सा जो मैंने कोशिश की है मैं वो बताना चाहता हूँ. वो ये है कि अक्सर हमारे पाकिस्तान की जो मूवीज बन रही हैं उसमें ये होता है कि हमारे डायरेक्टर्स और हमारे जो राइटर्स हैं वो रेफरेंसेस देते हैं, ठीक है, कि भाई ये फ्लाई फिल्म का गाना था, वो इंडियन फिल्म का गाना था या किसी ऐसा गाना था, उस तरह का बनाना है गाना. तो इस तरह के गाने मैं समझता हूँ कि जो हो जाता है वो हो गया. तो मैंने यही कोशिश की है. अब ये आसिम है या आयमा है या नाजिश है, ये सिंगर्स हैं, ये सबके सब कंपोजर्स के गाने गाते हैं. सही. और मच्योर म्यूजिक है बेसाहिर. मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगी कि मच्योर म्यूजिक है जो पता चल रहा है, दिख रहा है, डायरेक्शन सामिया, कलर्स इतने खूबसूरत है. अच्छा जी, कमेंट्स दोबारा दिखाने हैं कि नहीं? कुछ कमेंट्स रह गए थे इंग्लैंड के अंदर, एक मरतबा फिर बताती चलूं, जो प्रीमियर हुआ है बालू माही का उसके हवाले से कुछ कमेंट्स और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ऑडियंस क्या कहती है फिल्म को देखने के बाद. जी ऑलराइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन. म्यूजिक इतना इंटरेस्टिंग है, दिल करता है बार बार सुनने को. अच्छा, म्यूजिक की बात हो रही है साहिर, एक आपका और गाना हम सुनना चाहेंगे, थोड़ा सा गाने के बारे में बता दे जल्दी से बस. हाँ, गाना एक ये बेचैनिया गाना है, गाने का नाम है, और आसिम ने बहुत अच्छा लिखा है ये गाना, ठीक है, और क्योंकि इन्होंने दो लाइनें मुझे दी थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी. कुछ ऐसा लगे तुम जैसा लगे, मैंने कहा बहुत अलग लाइन है. कौन ऐसा लगे तुम जैसा लगे, मुझे कहा था असल में. तो उस पर मैंने गाना बना दिया. ये मैंने और अफशा फवाद ने गाया, वो आ नहीं सकी इसलिए मैं नाज़िश से रिक्वेस्ट करूंगा कि गाना याद आई मेरे साथ गाना गा दे. All right, जी,
वेलकम बैक वंस अगेन. अच्छा जी, बालू माही 10 फरवरी को रिलीज हो रही है पाकिस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड वाइड बल्कि पूरी दुनिया में रिलीज हो रही है. इस वक्त इंग्लैंड के अंदर आपके फेवरेट एनी जाफरी और उस्मान खालिद बट कर क्या रहे हैं सड़कों पे, मतलब इधर उधर फिर रहे हैं, अपने फैन से मिल रहे हैं, रेडियो पे इंटरव्यू दे रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत एक्टिविटी, बहुत मौज मस्ती हो रही है. एक छोटा सा पैकेज. ऑलराइट जी, अमेजिंग हेक्टिक एक्टिविटीज चल रही है, फन फील्ड आप देख रहे हैं, रिस्पॉन्स अमेजिंग आ रहा है. पाकिस्तान से तो आ ही रहा है, इंटरनेशनली भी आपने देखा कि इंग्लैंड के अंदर क्या रिस्पॉन्स है. अच्छा जी, जैसा कि वादा किया हुआ था कल, सामिया हैं और सामिया सितारों का हाल ना बताएं, अल्लाह खैर करे. सितारे क्या कहते हैं, ये मेरा नहीं आपका और इनका मामला जी. सामिया एक रैपिड फायर, क्योंकि आज इतना हैपनिंग शो है सुंदस का, तो मैं नहीं चाहती ज्यादा टाइम आप लोगों का लूं. एरीज बुर्ज हमल, आप बड़ा कॉन्फिडेंट माशाल्लाह टाइम है, अपने अंदर एक एनर्जी फील करेंगे, ये पूरा वीक भी अच्छा जाएगा. फैमिली एक्टिविटीज के हवाले से सेहत का ख्याल रखना है, उस पर एहतियात करनी है. करियर वाइज भी अच्छा जाएगा, दोस्तियों से भी फायदा रहेगा, डिजायर्स भी पूरी होंगी. सिर्फ जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, जो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए जरा सी वो है कि मेहनत करें. अगला सितारा टॉरस, इनका ये वाला वीक इनका भी बहुत सेफ वीक है, पैसों वाइज भी मेंटली भी पीसफुल फील करेंगे. सिर्फ गाड़ी आहिस्ता चलाइएगा. करियर वाइज भी सितारा अच्छा जा रहा है, बाहर का सफर भी आ सकता है. अगर मोहतात रहना है तो अपने पैसों के मामलात में, और जो काम अच्छा होगा, नई जॉब, जॉब में तरक्की, सेहत अच्छी, यहाँ पे भी सितारे प्रोटेक्टिव है. जेमिनी बुर्ज जौजा, दोस्तियों से फायदा बहुत मिलेगा. सामिया थोड़ी सॉरी मैं बात काटी आपके माइक में डिस्टर्बेंस आ रही, बाल जुल्फे आपकी थोड़ी नहीं, जुल्फे इधर से. अब आया ठीक है, अब आ रही जी, अब ठीक है जी. अच्छा जी, जेमिनी दोस्तियों से फायदा, आपकी डिजायर्स भी पूरी होंगी, बाहर का ट्रिप भी आएगा, पैसे भी इस वीक में हाथ में आएंगे. 8 और 9 की डेट में स्पेशली पैसे आने चाहिए. सिर्फ फैमिली कॉन्ट्रोवर्सी से अपने आप को बचाना है, रोमांस के लिए भी टाइम इससे बेस्ट नहीं आ सकता. बच्चों के हवाले से भी टाइम अच्छा है, लेकिन जो शादीशुदा अफराद हैं वो जरा से मोहतात रहेगा अपनी जिंदगी में. खुशियां देखो भाई, मतलब भी अफेयर चलाते हुए जो शादीशुदा अफराद है. जी जी बिल्कुल. कैंसर बुर्ज सरतान, ये जो है ये इनकी शुरू की जो डेट्स हैं, 7 तारीख तक थोड़े से मूड स्विंग्स रहेंगे, 8 तारीख से शुरू होने वाला हफ्ता अच्छा है. रिश्तेदारियों से जरा सा बच के रहिएगा, घर को रीडू करना या शिफ्ट करना है, इससे बेहतर टाइम नहीं आएगा. जॉब और सेहत का ख्याल रखना है. स्पाउस की तरफ से तावुन रहेगा, पैसे भी आपके हाथ में आएंगे. और जो कैंसेरियंस करियर में है, करियर में अपग्रेड होंगे, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपकी जो भी आपका काम हो. लियो यानी कि बुर्ज असद, इनके लिए ये है कि 10 तारीख से ज्यादा अच्छा शुरू होगा, जिस दिन बालू माई लगने जा रही है. फैमिली को लीजिए, बालू माई देखने जाइए. लियो अफराद, क्योंकि बेइंतहा फैमिली के साथ टाइम अच्छा एंजॉय करेंगे आप. इस वक्त आपका सितारा ओवरसीज ट्रैवलिंग में, किस्मत खुल रही है, कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जो कि आपको अपनी किस्मत में एक ब्लेसिंग लगेगी. और बाकी काम, जॉब, इसमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने आएगी. रिश्तों का तावुन रहेगा, लव लाइफ थोड़ी सी ठंडी चलेगी, और बच्चों पे जरा सी निगरानी करनी पड़ेगी थोड़ा सा यहाँ पे. अफसोस तो ऐसे हो रहा है कि पता नहीं बहुत कोई अगला सितारा आ गया वर्गो यानी कि बुर्ज सुबला. खामखा का तनाव, एंग्जाइटी आपको बेचैन रख सकती है, इससे फाइट करना है आप लोगों ने. और स्पेशली ये वाला वीक जो है 8, 9, 10 और 11 की डेट्स में किसी से पंगा नहीं लीजिएगा. पैसों वाइज अच्छा जाएगा, घर के अफराद की कोई ना कोई टेंशन ना परेशान करे. लव लाइफ बच्चों की साइड से भी अच्छा जाएगा, जॉब हाउस भी अच्छा जाएगा, पैसे भी अच्छे इंशाल्लाह हाथ में आएंगे, क्योंकि महीने के इनिशियल डेज है इस वजह से, लेकिन अच्छा जाएगा. लिब्रा बुर्ज मीजान, आप अगर जो जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, चाहे वो दूसरी करना चाहते हैं या तीसरी करना चाहते हैं, इससे बेस्ट मौका नहीं आ सकता. लेकिन यार ये क्या कह रही हैं, ऑडियंस मिलके कहो किसका है, किस चीज की प्रमोशन, ये किसका है. फन लिब्रा, फन जो है मेंटल स्ट्रेस, मर्दों के लिए या औरतों के लिए, जिनकी नहीं हुई हुई है ना, जो बेचारे ख्वाहिशमंद है शादी के. अच्छा जी, 4 और 5 की डेट्स जो थी, सॉरी 5 से लेकर 9 तारीख तक करियर वाइज पैसों वाइज अच्छी डेट्स हैं. सिर्फ 10 और 11 की 2 डेट्स में डाउन रहने के चांसेस हैं. लव लाइफ भी अच्छी है, ठीक हो जाएगा. अज़दवाजी लाइफ में भी सितारे अच्छे जाएंगे, और आपके सितारे अपनी होम लाइफ में भी अच्छे जाएंगे. और एक तो हमने गोहेड दिया है कि जो सोलमेट की ख्वाहिशमंद है, अच्छे रिश्ते आने के चांसेस हैं. स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब,
फाइनेंशियली जरा सा अपना बैकलॉग रखना पड़ेगा ताकि पैसे ज्यादा खर्च ना हो, थोड़ा सा अपनी बजटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन सितारा घर की जिंदगी में, काम की जिंदगी में, सेहत में, इन जगहों पे बहुत सपोर्टिव, स्पेशली आपकी दुआएं बहुत कबूल होंगी। और ये पूरा वीक जो है आपके लिए, अल्लाह का शुक्र है कि पूरे वीक में मून की पोजिशन अच्छी है, तो 11 तारीख तक बालू माई को इंजॉय करें। अगला सितारा आ गया कॉस, यानी कि बुर्ज सेजिटेरियस। ये जरा सा अभी भी अपने टफ टाइम से गुजर रहे हैं, लेकिन इस वक्त इनके फाइनेंसेस में, ट्रैवलिंग में, यहाँ पे सितारा अच्छा है, बच्चों की साइड से इत्मीनान बख्श हालात हैं, लव लाइफ में अच्छे हालात हैं। और बाकी यहाँ पे 5 तारीख से लेके 11 तारीख तक सारी डेट सेफ हैं। लेकिन जो लोग मीडिया में हैं, जो पॉलिटिशियन में, वो मोहतात रहे। और एक और चीज कि दोस्तियों से बहुत फायदा मिलेगा, बल्कि आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर पूरी होगी जिसकी आप अब तक कोशिश में लगे हुए हैं। कैप्रिकॉन यानी कि बुर्ज जद्दी, ये भी थोड़ा सा सेजिटेरियंस की जरा जरा सा अपने एक डिफिकल्ट टाइम में से अभी गुजर रहे हैं, लेकिन इस वक्त का हफ्ता, ये वाला जो हफ्ता है 11 तारीख तक का, एटलीस्ट आपको अच्छी खबरें देता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली फैमिली वाइज भी। और सिर्फ 6 और 7 की 2 तारीखों में सेहत पे आपके दबाव जरा सा फील हो सकता है, लेकिन बाकी सारी डेट्स ठीक है। आप जो सिर्फ वो लोग जो नहीं चाहते किसी भी कॉन्ट्रोवर्सी में ना पड़े, मोहतात रहिएगा। बिजनेस मैन अफराद के लिए ये वाला टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो कि आपको फेम दिला सकती है कैप्रिकॉनियंस को। एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलो, जल्दी आई हो ना, वेरी गुड, अभी मैंड के लिए मैंने तारीफ रखी है। अच्छा, जो एक्वेरियंस हैं इस वक्त माशाल्लाह बहुत एनर्जी अपने अंदर फील करेंगे, काफी बड़ा सेंसिटिव सा स्टार है, लेकिन ये वाला हफ्ता अच्छी होप समय दे रहा है, आप पॉजिटिव पॉजिटिव फील करेंगे। दोस्तों से ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाना, वहां पे सितारा डिस्टर्ब है, लेकिन सितारा एक चीज में बहुत अच्छा है, जो लोग मुल्क चेंज करना चाहते हैं, जो लोग माइग्रेट करना चाहते हैं, जो और जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जिनके मुकदमे फंसे हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबरें हैं। लेकिन जिनके पैसे फंसे हुए हैं, उनके लिए थोड़ा सा जरा सा ये वाला 9 मई तक का अरसा मोहतात है। बाकी रिश्तों में भी इंशाल्लाह फायदा, और ये वाला वीक सिवाय 8 और 9 तारीख को छोड़ के बाकी सारी तारीखें अच्छी हैं। आखिरी सितारा आसमानी काउंसिल का पाइसिस यानी कि बुर्ज हूद। जो लोग बिजनेस में हैं, जो सियासतदान हैं, जो मीडिया के लोग हैं, पाइसिस जरा से मोहतात रहिएगा, क्योंकि आपके पीछे कोई ना कोई चीजें स्कैंडलाइज करने के लिए कुछ चीजें एक्टिव हो सकती हैं। मेंटली, लेकिन मेंटली आप बड़ा पॉजिटिव इंशाल्लाह रहेंगे, तो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं, पैसे अच्छे आएंगे, तो इसकी मेहनत कीजिए, पैसे बहुत अच्छे आएंगे। सिवाय 10 और 11 की तारीख को छोड़ के बाकी सारी डेट्स इस हफ्ते की आपकी बहुत अच्छी है, और पैसे को रोलिंग पे डालिए, पैसा डबल होने के चांसेस। चले भाई, इसी के साथ एक ब्रेक लेते। जी कुछ कहना, ऐसे ही कोई निजी से गुफ्तगू हो रही है। मैं उनके लिए सोचा था, मैंने कहा कि वो बेट कर सकती हैं मैचेस वैचेस पे। अच्छा, माशाल्लाह लाइव ही ऐसी गुफ्तगू हो रही है। इससे पहले और कोई जी, बालू माही 10 फरवरी को पूरी दुनिया में रिलीज हो रही है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट सादिया, सादिया जबार को। ये स्पेशली ये सादिया सिर्फ आपके लिए, वरना मैं कैसे होगा, ये कभी भी नहीं होना था। और हाइसम के लिए भी नाम सही है ना, क्या मेरे लिए, मतलब तालियां तो मेरे लिए बजा दो, हाइसम का नाम मैंने सही ले। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टीम बालू माही। ठीक है, तबीयत शबीयत सही है आपके शागिर्दों से लाइव सुन ले जरा थोड़ा सा, आपकी अगर हो इजाजत, वरना नहीं मैं जरूरत नहीं, इजाजत ना दे आज, गला मेरा खराब, इजाजत ना दे। मैं चाहूंगी कि भाई टाइटल ट्रैक एक मतलब क्लोजिंग में भी होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज से मोराइमा का थोड़ा सा लाइव ट्रैक भी सुना जाए। क्या है ऐसे, तुम्हें अच्छा, एक आप चीज ये नोट करें, ये क्या नहीं वो, अच्छा मैं खो सी जाती ना, फिर मसला मेरे से, हम असल में मिस कर रहे थे राहत साहब को, बिल्कुल, इसलिए हम खुद दोनों गा रहे थे कि वो होना चाहिए उनके लिए, क्लैप होने चाहिए, शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत दिल से कवाली गाई, क्योंकि वो एक कवाल फैमिली है, तो उनके लिए कवाली बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, बिल्कुल, तो आप कंपोज करके देंगे, क्योंकि नुसरत फतेह अली खान साहब बहुत बड़े कंपोजर थे खुद,
उन्होंने हमेशा अपनी बनाई हुई कंपोजिशन ही गाई है और लोगों से भी गवाई है, तो इस फैमिली के लिए कुछ बनाना जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है। और उनको मैं जब बनाया उनको बहुत पसंद आया खान साहब को, और उन्होंने बहुत दिल से गाई और वो जो कि आपको नजर भी आ रही है। और मैं एक चीज सामने ये कह रही थी कि देखें आप तीनों सिंगर्स इतने मंझे हुए सिंगर्स हैं, इतनी ओके लाइव, अच्छा लाइव गाना और उसी तरह उसी तर्ज के ऊपर अमेजिंग सीरियस। तो बल्कि साहिल को ब्रेक में कह रही थी कि इतनी मीठी आवाज जो डिस्कवर की है। नहीं वाकई में आयमा नाजिश, ये नहीं फेयर नहीं था, मेरा गला आज खराब था तो आप लोगों ने बुला लिया, ये क्या बात है। अच्छा मतलब नखरे, टोन और मजेदार हो गया, नखरे भी साथ। नहीं मेरा गला खराब है सब सुन सकते हैं। नखरे भी आपका बड़ा शुक्रिया, बड़ी मैं आप थैंक यू सारे इस तरह करें, थैंक यू बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी, थैंक यू आप आई, आइंदा भी इसी तरह ही आइएगा जरूर आइए। अपनी बहन मैनेजर किधर है आपकी, कैसी हैं आप, उधर ही रहें उनका गला ठीक है, उनको बुला लेंगे। अच्छा जी चूंकि लास्ट मैं चाहूंगी क्योंकि एंडिंग की तरफ हम बढ़े, मैं आपसे जरूर आसिम जानना चाहूंगी सादिया के साथ और हाइसम के साथ काम करके, दिस इज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम, कैसा रहा तजुर्बा? जो सबसे बड़ी चीज फील हुई उन दोनों के साथ काम करके वो था फ्रीडम, और दे नोस व्हाट दे आर गोइंग टू डू। तो मैं इस प्रोग्राम के थ्रू जो है वो उनको बहुत ज्यादा मुबारकबाद दूंगा कि वो जो देखें यहां तक का काम जो है वो होता है एक इंसानी हाथों में, वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया है। इसका म्यूजिक फिल्म को पूरी तरह से कंप्लीट करना, उसकी जिस तरह से मार्केट कर रहे हैं और माशाल्लाह से नजर आ रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको पता है कि उनका टारगेट ऑडियंस जो है वो कौन है, तो उस हिसाब से उन्होंने अपनी कास्ट बनाई है, उस हिसाब से उन्होंने म्यूजिक किया है, और वो पूरी जो चीज कंपाइल होके आई है। तो इंशाल्लाह दुआएं हैं सिर्फ और अल्लाह के हाथ में इंशाल्लाह ताला। अनडाउटेडली साहिर योर टेक। मैं अब क्या कहूँ, सब कुछ तो बोल दिया। अब यही है कि बेस्ट विशेज हैं, फिल्म देखने सब जाएं, ये मैसेज है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करें जितना हो सकता है, पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, क्योंकि ये एक दौर हमने ऐसा भी देखा है कि लग रहा था कि अब कभी फिल्म पाकिस्तान में नहीं बनेगी, अब खत्म हो गया, लेकिन माशाल्लाह अब जितना अच्छा हो रहा है काम पाकिस्तान में, सब डायरेक्टर्स, सब म्यूजिक डायरेक्टर, सब सिंगर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, और सब लोगों की सपोर्ट चाहिए, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री आप एक दिन वहीं देखेंगे जहां आप देखना चाहते हैं इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला, वी आर ऑल होपफुल। एंड अगेन 10 फरवरी को 10 फेब को बालूमाही इंटरनेशनली रिलीज हो रही है, प्लीज सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा, प्लीज सपोर्ट ऑल द टेक्निकल पीपल, एक्सपीरियंस्ड और पढ़े लिखे लोग हर फील्ड के अंदर आपको इस फिल्म में नजर आएंगे, बहुत मेहनत हुई है। एनी का एक नए तरीके से आपने एनी को छोटी स्क्रीन पे ड्रामों में तो देखा ही है, लेकिन बड़ी स्क्रीन पे एक नए अंदाज में आप देख रहे हैं, उस्मान खालिद भट्ट को भी आप देख रहे हैं, सदफ को देख रहे हैं, रैंप पे आपने देखा, लेकिन फिल्म में आप पहली मरतबा देख रहे हैं। म्यूजिक की बात करें, फ्रेश ब्लड एंड अमेजिंग अमेजिंग वॉइस और एनर्जी नजर आती है, तो इंशाल्लाह आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी।